वेलकम टू एडजोस। एडजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज 25 मई है और 25 मई के जितने भी आरआरबी जेई के क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। तो सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर यहां पर हम लोग देखेंगे, जो कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है जेई का और आपने अब तक जेई का एग्ज़ाम अभी नहीं दिया है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पिछली वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, जो कि 22, 23 और 24 इन तीनों दिनों के परीक्षा के भी सभी क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप हमारी वेबसाइट edujos.com को डेली विजिट क्या कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो है उपलब्ध कराया जाता है, उसके बाद पीडीएफ फाइल भी यहाँ पर अपलोड की जाती है और टेलीग्राम पर भी पीडीएफ फाइल जो है उसका लिंक शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन पेपर। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो है पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में कितने समूह हैं। तो ये 18 है, यानी जो टोटल पीरियोडिक टेबल में समूह यानी ग्रुप की बात की गई है वो कितने ग्रुप हैं, तो 18। नेक्स्ट यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो वो था राकेश शर्मा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। देखिए खिलाड़ी और वो किस देश के हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस खेल से संबंधित हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिक्स को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो कितना होता है, किसी राज्य के राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरह से आने वाले समय में आपसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी का कार्यकाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, या फिर ऐसा पूछा गया होगा कि आलमगीर को किस शासक, आलमगीर के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो एक ही बात है, औरंगजेब को जाना जाता है आलमगीर के नाम से। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, नदियाँ, बांध और झील, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आप याद कीजिएगा। काफ़ी पहले मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पद्मश्री 2019 कितने लोगों को दिया गया, तो पद्मश्री 2019 जो है वो 94 यानी 94 लोगों को दिया गया है, तो ठीक है। यानी अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने लोगों को दिया गया, तो आपको नंबर्स भी याद रखने होंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्वेश्चन, अब दूसरे टाइप से पूछा जा रहा है, डीप पूछा जा रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो पद्म भूषण मिला है वो कितने लोगों को, पद्मश्री जो मिला है वो कितने को, 94 को। तो मैंने यहाँ पर डिटेल लिख ली है कि जो पद्म विभूषण है वो 4 लोगों को मिला है और पद्म भूषण जो है वो 14 लोगों को मिला है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है या ऐसा पूछा गया है कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है। दोनों में से जो भी क्वेश्चन है आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब दोनों ही स्टेट की राजधानी है। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है रक्त का पीएच मान, आपको कई बार बताया कि पीएच मान बिल्कुल आप याद कर लीजिए, ब्लड का पीएच मान है, यूरिन का पीएच मान है, ठीक है। उसके बाद इस तरह के जितने भी हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क का पीएच मान है, तो ये सभी चीज़ें आप एक बार याद रख लीजिए। पीएच से लेकर के एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, हर एक टॉपिक पे लगभग मैंने सभी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उनको ज़रूर हमारे चैनल में जाकर वीडियोस सेक्शन में जाइए और वहाँ पर जो भी वीडियोज़ हैं उनको देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है बेसिलस, बेसिलस बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, तो ये होता है रॉड शेप का, छड़ी की आकृति का, रॉड शेप का होता है बेसिलस बैक्टीरिया का शेप, ठीक है, रॉड शेप यानी रॉड के आकार का बेसिलस बैक्टीरिया का आकार होता है। रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है, जल का पीएच मान भी याद रखिएगा। उसके बाद उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो याद रखिएगा, इस तरह से याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर जो है तारे किस वजह से टिमटिमाते हैं, यानी तारे जो टिमटिमाते हैं उसका कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समुद्र के अंदर किसी चीज़ का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है सोनार का। अब यहाँ पर शायद सोनार का फुल फॉर्म पूछा गया है या नहीं, लेकिन सोनार का फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है या पूछा गया है तो आप उसके लिए जो फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ये आप इसको याद रखेंगे, सोनार का इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है आर्टिकल 336 के बारे में पूछा गया, आर्टिकल 336 यानी अनुच्छेद 336 किससे संबंधित है, तो ये स्पेशल एक्ट है, अनुच्छेद है एंग्लो इंडियंस के लिए, ठीक है, एंग्लो इंडियंस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा है, तो ये है स्पुतनिक 1, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस खेल की शुरुआत भारत में हुई थी, भारत में किस खेल की शुरुआत हुई, कबड्डी।
और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विटामिन सी किसमें पाया जाता है या विटामिन सी का स्रोत पूछा गया है। तो देखिए जब ऑप्शन आपके सामने दिया होगा तभी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। वैसे यहाँ पर मैंने दो तीन नाम लिख दिए हैं जैसे कि आंवला है, नींबू है, संतरा है, इन सभी में होता है विटामिन सी। ये मैंने कल भी बताया था सिट्रस फ्रूट जो भी होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है विटामिन ए का स्रोत भी पूछा गया है शायद। विटामिन ए मैंने आपको कल भी बताया था कि अब इसका आपको रासायनिक नाम जरूर याद रखना है, आने वाले एग्जाम में आपको इसका रासायनिक नाम पूछा जाएगा क्योंकि अब तक ये चीज़ नहीं पूछी गई है। अब ये क्वेश्चन रिपीट अभी नहीं होगा, बाद में फिर रिपीट होगा। लेकिन विटामिन सी के जो क्वेश्चन हैं इनके जो रासायनिक नाम है ये आप याद रख लीजिए। विटामिन ए का जो स्रोत है देखिए सबसे अच्छा स्रोत गाजर है, तो अगर वहाँ पर है ये ऑप्शन था तो आपके लिए आंसर हो जाएगा। वैसे बाकी चीज़ों में भी विटामिन ए पाया जाता है तो वो पूरा लिस्ट यहाँ पर हम नहीं देख सकते, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो विटामिन ए से कि ए की कमी से जो रोग है अब तक नहीं पूछा गया है तो ये याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो आँखों की बीमारी है रतौंधी, इसको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पूछा गया ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन हैं, तो एक न्यूट्रॉन होते हैं ड्यूटेरियम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर अम्ल और धातु जब अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। अम्ल और धातु यानी एसिड और मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर फिर जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये कल भी क्वेश्चन ये पूछा गया था और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पर देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिटर्जेंट या साबुन या सोप, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है C17, ये इस तरह से है C17H35COONA। ठीक है, ये होता है डिटर्जेंट यानी साबुन का फॉर्मूला। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश ने वहाँ के सर्वोच्च सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, तो ये क्रोशिया देश ने, या फिर ऐसा पूछा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोशिया ने अपने कौन से सम्मान से सम्मानित किया है। तो वो देखिए वहाँ का सर्वोच्च सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आप उसको कह सकते हैं, तो ये अवार्ड दिया गया है। और एक चीज़ याद रखना है कि क्रोएशिया की राजधानी जो है वो जैग्रेब है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो यहाँ पर है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को एक खास बात आपको ये भी याद रखनी है कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गुलाबी शहर कहाँ है। देखिए ये रिपीट हुआ है, वैसे तो गुलाबी शहर रिपीट नहीं कह सकते, गुलाबी शहर जो है वो पूछा गया कि किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं जयपुर को, जयपुर कहलाता है पिंक सिटी और ये जो है राजस्थान में है, ये मैंने कल बताया था और ये वही है गुलाबी शहर जो है कहाँ है राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है, शायद ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया था कि ड्यूटेरियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो शायद ऐसा क्वेश्चन दोनों में से जो भी क्वेश्चन था आप देख लीजिए। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन होता है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कितने प्रोटोन तो आप एक प्रोटोन कहेंगे, कितने न्यूट्रॉन तो एक न्यूट्रॉन, और ड्यूटेरियम के नाभिक को कहते हैं ड्यूट्रॉन, ये ध्यान रखना है। ड्यूटेरियम के नाभिक को क्या कहते हैं, ड्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें एक प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्यूपिल या फिर पुतली शरीर के किस अंग का भाग है। तो आँख में होता है ये पुतली, आप सभी को पता है पुतली जो है प्यूपिल ये आँख का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन है। जबकि जब तक ऑप्शन सामने नहीं होगा इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो खुद एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में चार प्रोटीन की चेन होती है, ये जो चार प्रोटीन चेन से बना होता है जिसमें दो अल्फा चेन होते हैं और दो बीटा चेन होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए जॉन्डिस यानी पीलिया रोग जो है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी इम्पोर्टेंट रोग यानी बीमारी हैं उनसे कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता है वो आप एक बार देख लीजिए। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे देखिए कल पूछा गया था कि TB से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, उससे पहले पूछा गया न्यूमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इस तरह से आपसे हमेशा पूछा जाएगा क्वेश्चन इस तरह के, जितने भी इंपॉर्टेंट रोग और उनसे प्रभावित होने वाले जो शरीर के अंग हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो जॉन्डिस यानी पीलिया जो है उसे लीवर जो है ख़राब होता है। ठीक है, लीवर प्रभावित होता है। इसी तरह हेपेटाइटिस भी है, उसमें भी लीवर का ही असर होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई है पास्कल। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड कप 2019 के बाद ICC के CEO कौन बनेंगे, तो ये बनेंगे मनु सहनी।
वर्तमान समय में डेविड रिचर्डसन हैं आईसीसी के सीईओ, और वर्ल्ड कप के जो ख़त्म हो जाएगी यानी जुलाई 2019 के बाद ये बन जाएंगे, मनु साहनी बनेंगे आईसीसी के सीईओ, डेविड रिचर्डसन की जगह लेंगे ये। नेक्स्ट यहाँ पर है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 14 से 18, आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, ये पूछा गया है, तो INS अरिहंत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, यानी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है अवतल लेंस की फोकस दूरी। उसके बाद क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक पूछा गया है, आपसे मैंने पहले भी कहा है तो एटॉमिक जो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है वो है 13। आपसे मैंने पहले कहा था कि हर एक एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसके खास करके आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बिल्कुल याद कर लीजिए, वो ज़रूर पूछा जाएगा, और उसके बाद पीरियड और उसका जो पीरियड भी याद रखना है आपको कि वो किस पीरियड के अंदर आता है और किस ग्रुप के अंदर आता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन चारों को अगर आप याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आवर्त सारणी में अधातु कहाँ पर अवस्थित होते हैं, तो अधातु जो है वो ग्रुप में होता है 14 से लेकर 16 के जो ग्रुप हैं, 14 से 16 के ग्रुप के अंदर जो है अधातुओं को रखा जाता है, नॉन मेटल को, ठीक है। दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या NTPC रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा है, तो आपको ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए। इस बुक की कीमत जो है वो सिर्फ 35 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको 4000 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जिसमें वन लाइनर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेगा, सॉल्यूशन विथ ट्रिक एंड हिंट्स है, फ्री मॉक टेस्ट होगा जो इसके अंदर ही है, 20 टेस्ट हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। ये एल बुक पब्लिशर की तरफ से ये बुक छापी गई है और ये ई बुक है, इसके लिए आपको जो है कोई बुक नहीं खरीदनी है, वो ये डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ई बुक जो है वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप इनके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर जो कि जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर आता है, आप उस नंबर पर इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको PDF फाइल डाउनलोड करने में किसी तरह से दिक्कत आ रही है, पेमेंट कट गया और पैसे लग गए आपके और आपको ये PDF डाउनलोड नहीं हुआ, तो आप इनको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको ये डायरेक्ट जो है वो प्रोवाइड करा देंगे PDF फाइल। इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही मीडियम से ये क्वेश्चन पेपर जो इसमें कलेक्ट करवाया गया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो सारे NTPC और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल सिलेबस वाइज है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्र के लिए पूरा, जिसमें 4000 क्वेश्चन एंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो जो थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड है वो होती है गले में आगे के हिस्से, गले का जो अगला भाग होता है यहाँ पर होती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, जो गले का अगला भाग है वहाँ पर होती है थायराइड ग्रंथि, इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको उत्तल लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस मानव लेंस में होता है। आपसे सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मानव नेत्र का रेटिना किस प्रकार बिहेव करता है, किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विद्युत धारा का सूत्र पूछा गया है, इलेक्ट्रिक करंट जो या फिर आप करंट कह दें, तो करंट के लिए जो फॉर्मूला पूछा है वो क्या होता है, I = VR, तो V/R होता है I = जहाँ पर I जो है वो करंट है यानी विद्युत धारा है, और V जो है वो वोल्टेज है, R जो है वो रेसिस्टेंस है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो ये है मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी 2018 किसने जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी 2018 कर्नाटक ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्रिक्स के सदस्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो देखिए वहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन ब्रिक्स के सदस्य हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, 4-5 देश का नाम होगा आपके सामने और उसमें से जो ब्रिक्स के सदस्य हैं उनका आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो यहाँ पर ब्रिक्स के जो भी सदस्य हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो ब्राज़ील रसिया, देखिए बी से हो गया ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से जो है चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, तो ये 5 देश हैं जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, तो इनको आपको याद रखना है, इसको याद रखेंगे तो आप ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का जो SI यूनिट है वो क्या है, तो इसको हर्ट्ज बोलते हैं, HZ इस तरह से लिखा जाता है, हर्ट्ज जो है आवृत्ति का SI यूनिट है यानी फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट यहाँ पर जो है देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जो मिनिमम हर्ट्ज जो लिमिट है वो मानव कहाँ तक सुन सकता है और मैक्सिमम जो है वो कहाँ तक, यानी आपको रेंज याद रखना है, वो पहले भी पूछा जाएगा और अब इससे पहले भी पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर है
एलपीजी क्या है ये पूछा गया है। तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस इसका जो है फुल फॉर्म होता है, द्रवीभूत उसको बोलते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी दी गई होती है और टाइम पीरियड निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी दी गई थी और टाइम पीरियड निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 1/f, ये याद रखना है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड निकल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, तो यह है महाराष्ट्र में। उसके बाद है, पहले भारतीय जिन्हें नोबल पुरस्कार मिला, तो इनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे हैं जो आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में 25 मई 2019 को पूछे गए, ये सभी क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट edujosh.com पर डायरेक्ट जा करके वो जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।